हॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार कहे जाने वाले अक्षय कुमार, जिनका दिन बहुत बुरा चल रहा है। इनकी पिछली 10 फिल्मों में 9 फिल्में तो फ्लॉप ही गई हैं, लेकिन वो जो एक फिल्म है जो हिट गई है भाई, वो भी हिट जाने वाली नहीं थी। मूवी तो ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन जब अक्षय कुमार ने अपना फीस वापस कर दिया तो इस मूवी को बनाने का खर्चा वो तो पहले से ही कम था, जिस वजह से फीस उन्होंने लौटाया और इधर मूवी हिट हो गई। और ये फिल्म कोई और नहीं थी, वो MG2 थी। कई सारी फ्लॉप देने के बाद भी इनको फिल्में मिलना बंद नहीं हो रही, और अभी हाल ही में इनकी एक और नई मूवी का अनाउंसमेंट हो चुका है। वैसे इस फिल्म का चर्चा तो काफी समय से चल रहा था, लेकिन फाइनली टाइटल क्लियर हो गया है और इस टाइटल का अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाला है। फिल्म का टाइटल होने वाला है शंकरा, और ये फिल्म एक बायोपिक फिल्म होने वाली है, श्री शंकर नायर की बायोपिक। और भाई फिल्म के लीड कास्टिंग में एक और बंदा ऐड हो गया है, जो कि है आर माधवन। और फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस होने वाली है, उनका नाम जानने के बाद आप तो इस फिल्म को पहले से ही फ्लॉप बता दोगे, क्योंकि वो लीड एक्ट्रेस कोई और नहीं अनन्या पांडे है। वो कहते हैं ना, जब दिन बुरा चल रहा हो तो मुसीबत भी साथ साथ चलती है।